हैरी पॉटर जो अब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से पहुंच चुका है जादूगरी और तंत्र के विद्यालय हॉगवर्ट्स में। हैरी और दूसरे फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रोफेसर मैकगोनिगल द्वारा बताया जाता है कि उन सभी छात्रों को उनके हाउसेस में चुने जाने की रस्म शुरू होने वाली है, जिसके बाद वे अपने अपने हाउसेस में शामिल होंगे। गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, चील घात और मेहनतकश, इन चार हाउसेस में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को बोलती टोपी द्वारा चुना जाएगा। ड्रैको नाम का दुष्ट लड़का जो मैल्फॉय परिवार से है, हैरी से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हैरी उससे दोस्ती नहीं करता। हैरी को रॉन बताता है कि सारे दुष्ट और शैतानी जादूगर नाग शक्ति हाउस से आते हैं। हैरी नाग शक्ति हाउस में किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहता। बोलती टोपी को बहुत मुश्किल होती है कि हैरी पॉटर को किस हाउस में रखे। क्या बोलती टोपी हैरी को उसके पसंद के हाउस में चुनेगी या नहीं? द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 7 हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, रिटन बाय जेके रोलिंग। चैप्टर 7 बोलती टोपी। हैरी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के साथ हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है। हैग्रिड ने अपनी दैत्यकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। दरवाजा एकदम खुल गया। वहां काले बालों वाली एक जादूगरनी हरे दुशाले में खड़ी थी। यह थी प्रोफेसर मैकगोनिगल। हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने कहा। सत्र की शुरुआती दावत जल्द शुरू होने वाली है, परंतु इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी सीट पर बैठें, आपको अपने हाउस के लिए चुना जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप यहां रहेंगे तब तक आपका हाउस हॉगवर्ट्स में आपके परिवार की तरह होगा। कुल 4 हाउस या दल हैं, जिनके नाम हैं गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति। हर हाउस का अपना शानदार इतिहास है और हर एक में बेहतरीन जादूगर और जादूगरनियां हुए हैं। जब तक आप हॉगवर्ट्स में रहेंगे तब तक अच्छे काम के लिए आपको हाउस पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपके हाउस पॉइंट्स घटा दिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले हाउस को हाउस कप दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा सम्मान है। चुनने की रस्म पूरे स्कूल के सामने कुछ मिनटों में होगी। हैरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें किस तरह हाउस में चुना जाएगा। रॉन ने कहा, मुझे लगता है ये किसी तरह का इम्तिहान होता होगा। हैरी का दिल धक रह गया। इम्तिहान, और वह भी पूरे स्कूल के सामने? परंतु उसे तो रत्ती भर भी जादू नहीं आता। हैरी ने चारों तरफ देखा तो पाया कि सभी डरे हुए थे। आप लोग लाइन बना लें, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा, और मेरे पीछे आएं। हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना भी नहीं की थी। यहां हजारों मोमबत्तियां जल रही थी जो उन 4 लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थी, जहां बाकी विद्यार्थी बैठे थे। प्रोफेसर मैकगोनिगल ने एक स्टूल विद्यार्थियों के सामने रख दिया, जिस पर एक जादूगरों की टोपी रखी थी जिसकी नोक उभरी हुई थी। अचानक हैरी के माथे के निशान पर तेज दर्द उठा। प्रोफेसर्स की टेबल पर बैठे एक प्रोफेसर हैरी को घूर रहे थे। रॉन ने हैरी की तरफ देखा, लेकिन हैरी ने बात टाल दी। प्रोफेसर मैकगोनिगल हाथ में चमड़े के कागज का लंबा रोल लेकर आगे बढ़ी और बोली, जब मैं आपका नाम बोलूं तब आप आकर टोपी पहनेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके। प्रोफेसर मैकगोनिगल एक के बाद एक नाम पुकारे जा रही थी और विद्यार्थी बोलती टोपी को पहन रहे थे और हाउसेस में चुने जा रहे थे। प्रोफेसर मैकगोनिगल ने पुकारा, हरमाइनी ग्रेंजर। हरमाइनी अपने आप को समझाते हुए स्टूल की तरफ गई और उसके सर पर टोपी रखी गई। गरुड़ द्वार, टोपी चिल्लाई। हरमाइनी खुश होकर गरुड़ द्वार के टेबल की तरफ भागी। सभी गरुड़ द्वार हाउस के छात्र उसे बधाइयां दे रहे थे। जब ड्रैको मैल्फॉय का नाम पुकारा गया तो वह अकड़ते हुए आगे आया। टोपी ने उसके सिर को बस छुआ ही था कि वह बोल पड़ी, नाग शक्ति। जब रॉन की बारी आई तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जब टोपी उसके सर पर रखी गई तो वह बोली, मुझे पता है तुम्हें कहां रखना है, और वह चिल्लाई, गरुड़ द्वार। और आखिरकार
अब बारी आई हैरी पॉटर की। हैरी के सर पर बोलती टोपी रखी गई। एक आवाज आई, हूँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, काफी हिम्मत दिखती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुम में, और अपनी पहचान बनाने का इरादा भी। तो तुम्हें कहाँ रखूं? हैरी बुदबुदाया, नाक शक्ति नहीं, नाक शक्ति नहीं। बोलती टोपी ने सवाल किया, नाक शक्ति नहीं? सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में, और नाग शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। नाग शक्ति नहीं, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर गरुड़ द्वार। हैरी ने सुना कि टोपी ने आखिरी शब्द पूरे हॉल में चिल्लाकर बोला था। हैरी के गरुड़ द्वार में चुने जाने पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। हैग्रिड और डंबलडोर भी खुश थे। हैरी गरुड़द्वार हाउस की टेबल पर पहुंचा तो हेडबॉय पर्सी ने उसे हाथ मिलाकर बधाई दी। हैरी ने डंबलडोर की तरफ देखा और डंबलडोर ने भी उसे इशारे में बधाई दी। डंबलडोर उठे और उन्होंने दावत शुरू करने का संकेत किया। हैरी का मुंह खुला रह गया। उसके सामने की प्लेटें भोजन से भरी हुई थी। उसने इतनी सारी मनपसंद चीजें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थी। हैरी की तरह सभी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी भी खाने की प्लेटों को आश्चर्य से देख रहे थे। हैरी हेडबॉय पर्सी से पूछता है कि प्रोफेसर क्विरिल के बगल में कौन है। पर्सी उसे बताता है कि वे प्रोफेसर स्नेप हैं। पर्सी बोला, प्रोफेसर स्नेप जादुई काढ़े के टीचर हैं, परंतु उनकी दिलचस्पी गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में है। वे सालों से प्रोफेसर क्विरिल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। कुछ देर बाद गरुड़द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करती भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग बड़े हॉल से बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। गलियारे के आखिरी सिरे पर गुलाबी रेशम की पोशाक में एक बहुत मोटी औरत की तस्वीर टंगी थी। पासवर्ड, उसने पूछा। कैपर ड्रैकोनस, पर्सी ने कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुक गई और दरवाजा खुल गया। वे सब उसके अंदर चले गए और उन लोगों ने खुद को गरुड़ द्वार के हॉल में पाया। यह गद्देदार कुर्सियों से भरा एक शानदार कमरा था। हैरी के कमरे में सभी सो चुके थे और हैरी अपने उल्लू हेडविक के साथ दूधिया रोशनी में नहाए आसमान को देखकर कुछ सोच रहा था।